देख रहे हैं हरियाणा हलचल और मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो रोहतक से आ रही है। तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कृषि कल्याण विभाग ने इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था जिसका आज अंतिम दिन है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मत्स्य पालकों को सम्मेलन में ले जाने के लिए कई बसें भी उपलब्ध करवाई गई है। तो आज अंतिम दिन है इस सम्मेलन का। साथ ही आपको बता दें कि तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन है और यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कृषि कल्याण विभाग ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र सिंह हमारे संवाददाता रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये जो सम्मेलन का आज आखिरी दिन है, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो 24 तारीख से जो एग्री लीडरशिप समिट, जो तीसरा जो समिट यहाँ पे हुआ है, उसका आज समापन है। और जिस तरह से हरियाणा के तमाम जो कृषक, जो मछली पालन, अन्य जो कृषि से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे उनका काफी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में काफी किसानों ने इसमें आकर यहाँ पे लाभ उठाया है। और हरियाणा सरकार ने जिस तरह से किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर एक लक्ष्य रखा है, इसको लेकर पहल है। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का भी ये कहना था कि आने वाले समय में जो प्रति व्यक्ति जो किसान की आय है 1 लाख करने का है। और जो उत्तम किस्म की तकनीक है, यंत्र है, बीज है, खाद है, उनको किसानों को अवगत कराना है। और इस मेले में जिस तरह से जो किसान आए उनको भी पुरस्कार दिए गए हैं, ट्रैक्टर हैं, बाइक हैं, स्कूटी हैं, तो काफी इनाम की घोषणा भी की गई है। और तमाम जो किसान जिसमें महारत हासिल है फसल उगाने में, उनको भी सम्मानित किया गया है। आज इसका समापन है। करीब 12 बजे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का समापन होगा। बिल्कुल सुरेंद्र, तो क्या लगता है कितना फायदा किसानों को इस सम्मेलन के बाद अब मिलने वाला है? बिल्कुल, जो सरकार का लक्ष्य था कि जो लगभग 1 लाख किसान इसमें आएंगे, जो उनकी आने जाने का जो सरकार की तरफ से हरियाणा रोडवेज की बसों की सुविधा मुहैया कराई गई है, और इसके चलते जो किसान है वो आ भी रहे हैं। और जो स्टॉल लगे हुए हैं कृषि बीज उसमें, और जो सभी जगह उनके जो सेमिनार भी लगे हुए हैं, तो काफी किसानों को इस बारे फायदा हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर शिरकत करेंगे।